नेपालगंज प्रदेश सभा को सार्वजनिक लेखा समिति ले सवारी साधन मरम्मत मा भय को अनियमितता को छानबीन शुरू गरे को छ। लेखा समिति ले बुधवार प्रदेश सभा सचिवालय का सचिव दुलर्भ कुमार पुन लेखा अधिकृत आलोक अग्रेरी रस्टो प्रमुख पुनाराम पौडेल सिंह स्पष्टीकरण लिए को समिति का सभापति दिल्ली चौधरी ले बताए उनले भने के भय को हो भनेर स्पष्टीकरण लिए का छो हरेक बिल को नंबर खर्च भय को मिति मरम्मत करे को ग्यारेज को नाम सहित विस्तृत फाइल भोली बिहान 8 बजे पेश करनु भने का छो। पहला हामी आफे अनुसंधान गर्द छो त्यसपछि हामी कार्यवाही का लागी सिफारिश गर छो। प्रदेश सभा का पदाधिकारी ले प्रयोग करने सवारी साधन मरम्मत मा स्वाभाविक खर्च भय को संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित भयपछि सार्वजनिक लेखा समिति ने 400 व्यक्त करे को छ। समिति का सभापति दिल्ली चौधरी का अनुसार सवारी साधन मरम्मत संबंधी संपूर्ण बिल भरपाई सहित उपस्थित हुनका लागी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन लेखा अधिकृत आलोक अग्रेरी रस्टो प्रमुख पौडेलाई निर्देशन दिए को छ। प्रदेश सभा सचिवालय ले 2 आर्थिक वर्ष को 23 महीना मा सवारी साधन मरम्मत का नाम मा 61,03,611 रुपया खर्च करे को छ। प्रदेश सभा सचिवालय ने नया र भरखर किनिए का गाड़ी मा मरम्मत का नाम मा गरे को खर्च स्वाभाविक रहे को छ। प्रकाशित 28/2017।